तो मेरे पास बहुत ही रेयर चीज है, मोटो S20 का रिटेल यूनिट। एंड जो पहले हमें यूनिट आया था ये फैक्ट्री यूनिट था, मैंने दोनों वीडियो में बताया था। एंड प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ना नेटफ्लिक्स इंस्टॉल होता था ना वाइड वाइन L1 था। सो आई वेटेड फॉर द रिटेल यूनिट ताकि प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू कर सकूँ। एंड वाओ, यू वुडेंट बिलीव, कैमरा पे हिंदी बोल के अच्छा भी लग रहा है, अजीब भी, बट एनीवेज ठीक है। मोटो S20 नाम तो आपने सुना ही होगा, बेस्ट स्टॉक एंड्रॉयड फोन अंडर 30K। बट उस प्राइस में नॉट 2, पोको F3 GT, बहुत कुछ आता है। तो डील क्या है, लूं क्या? और इससे भी इम्पोर्टेंट, अभी तक ये फोन मार्केट में क्यों नहीं आया? वेल, दिस प्रतीक, आप ऑलरेडी टेकवाइजर हिंदी देख रहे हैं, एंड बीच में अगर मैं इंग्लिश बोल दूं तो सो सॉरी, माफ कर दें। तो मैंने ये रिव्यू यूनिट कुछ एक मंथ से और ये रिटेल यूनिट कुछ एक दो हफ्ते से यूज़ किया है, और अब एक रिव्यू का सेंस बनता है क्योंकि फ़ोन काफ़ी हाइप्ड है, और सेंस तो सब्सक्राइब करने का भी बनता है, तो आप लोग सेंसिबल हैं ऑफकोर्स। और हाँ, पहली चीज़ ये देख रहे हो, बचपन में सीसॉ नहीं होता था, एग्जैक्टली वैसा है, बट मोटोरोला बॉक्स में कवर देता है तो सॉर्टेड। और एक 30W PD चार्जर है, USB-C to C केबल है, थोड़े पेपर वर्क एंड सिम इजेक्टर टूल। तो सबसे पहले फोन देख लो, अच्छा दिखता है राइट? अब फोन अच्छा दिखता है, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी पर्सनली। इससे ज़्यादा इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम है एंड बैक पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक है। अब ये कॉस्ट कटिंग और वेट कम करने दोनों का रीजन है, इसलिए फोन काफ़ी लाइट वेट है, 165 ग्राम्स। 30,000 में फोन काफ़ी अच्छा दिखता है, बट 1 handed यूजेज नहीं है। फॉर दैट फोन थोड़ा बड़ा है एंड मोटो ने UI भी 1 hand यूज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया है, बट सॉफ्टवेयर UI पे आते हैं थोड़ी देर में बस। तो पहले तो देखते हैं 144Hz 10-bit OLED पैनल, काफी बड़ा नाम है ना। बट नॉर्मली जो डिस्प्लेस होते हैं वो 3 color के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। तो नॉर्मल डिस्प्लेस हर एक कलर के 2:8 शेड्स दिखा सकते हैं, यानी 8-bit। ये 10-bit मतलब 2:10 शेड्स दिखा सकता है, तो थियरी में ये आपको ज़्यादा कलर्स दिखा सकता है। तो प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है? वेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कुछ नहीं, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पे थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट 10-bit में काफ़ी कम शूट होता है। तो जब 10-bit कंटेंट आ जाएगा तो 10-bit डिस्प्ले में फ़र्क दिखने लगेगा। बाय द वे, 11 5G बैंड्स मिलते हैं मोटो S20 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा है 30,000 के रेंज में, गुड जॉब। एंड मैं इसे जियो सिम के साथ यूज़ कर रहा था, तो मोस्टली मुझे 4G प्लस मिल जाता है मेरे घर पे, वो भी 3CA तक देखा है मैंने। अगर आपको 2CA, 3CA, 4CA का डिफरेंस नहीं पता है तो ये वीडियो देख सकते हैं, लोग कहते हैं काफ़ी अच्छी है, यू जज। अब डिस्प्ले में दो और चीज़ें हैं जो काफ़ी अंडररेटेड है, लोगों ने इतना मेंशन नहीं किया। नंबर वन, 144Hz। अब 144Hz 90Hz से ऑलमोस्ट 2 times फास्ट होता है। सेकंड, 576Hz टच सैम्पलिंग रेट। अब हाई टच सैम्पलिंग रेट से ये होता है कि आप गेम्स खेलते वक्त डिस्प्ले का टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगता है, तो ये दो चीज़ इस प्राइस रेंज में बाकी सारे फ़ोन्स नहीं ऑफर करते। और जो चीज़ और बेस्ट है इस रेंज में वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एकदम स्टॉक एंड्रॉइड। देखो, गूगल ऐप्स के अलावा और कोई यूजलेस ऐप्स नहीं आती, ओ सॉरी फेसबुक है, बट उसके अलावा और कोई यूजलेस ऐप नहीं आती। तो लोग हमेशा से सोचते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन एड फ्री तो होता है बट फीचर्स ज़्यादा नहीं मिलते। वेल, आई पार्शियली एग्री विथ यू, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऐप लॉक, सीक्रेट होल्डर, ये सब नहीं है इसमें, बट और भी काफ़ी यूजफुल फीचर्स है जैसे चॉप चॉप टू फ्लैश। बट एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं काफ़ी पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं ऑडिबल बहुत सुनता हूँ और मुझे गेम्स खेलना भी पसंद है, तो दोनों के लिए सेपरेट टाइम नहीं निकलता। तो इसमें ऑप्शन है कि आप 2 apps के वॉल्यूम अलग अलग से ट्यून कर सकते हो। तो मैं PUBG या BGMI खेलते वक्त उसका वॉल्यूम स्लो कर देता हूँ और ऑडिबल का वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, तो गेम का गेम और बुक रीडिंग का बुक रीडिंग। आप मोटो S20 को एज अ कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हो, मोटोरोला की रेडी फॉर ऐप आती है विंडोज़ PC के लिए, देन यू कैन स्कैन अपने फ़ोन से एंड वाईफाई पे या USB से आपका मोटोरोला फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप से, एंड नाउ यू कैन यूज़ योर मोटोरोला लैपटॉप एज अ PC। एंड इसके 2-3 यूज़ केसेज हैं, आप अपने डाउनलोडेड वीडियोज़ लैपटॉप पर देख सकते हो, और सबसे अच्छा, बिना एमुलेटर डाउनलोड किए BGMI कीबोर्ड और माउस से खेल सकते हो, विच गिव्स यू एन एडवांटेज ओवर अदर प्लेयर्स।
एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इसमें स्नैपड्रैगन 778G आता है। मैंने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है इंग्लिश में, बेंचमार्क्स वगैरह सब कुछ, तो आप वो वहाँ पे देख सकते हो। मीडियाटेक डिमेंसिटी 1200D जैसा ही बोल सकते हो, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है बट गेम सपोर्ट दोनों में सेम है। हीटिंग मुझे इतने पूरे एक मंथ में फील नहीं हुई, तो आई वुड से इतना कोई हीटिंग इशूज़ नहीं है। तो अब आ जाते हैं इसके कैमरा पे। मोटोरोला ने 108 मेगापिक्सल मेन सेंसर दिया है, 16 मेगापिक्सल वाइड एंगल प्लस मैक्रो कैमरा और 8 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो कैमरा। वेल, जस्ट बेस्ड ऑन हार्डवेयर, इतना अच्छा कैमरा हार्डवेयर इस स्पेस में कोई नहीं देता है, बट ये तो थियोरी है ना। प्रैक्टिकली क्या इसके कैमराज इतने अच्छे हैं? वेल, लेट्स टेस्ट आउट। तो देखो, मेन सेंसर के कलर्स ह्यूमन फोटोज बहुत नेचुरल रियल लाइफ लगते हैं, मतलब आईको और वीवो जैसे सैचुरेटेड नहीं है, क्लोज टू रियल लाइफ। हल्का सा कॉन्ट्रास्टी फोटोज लेता है शेडोज में, ह्यूमन स्किन टोन भी रेयर कैमरा से मुझे अच्छी लगी। वाइड एंगल कैमरा भी अच्छी फोटोज लेता है, कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, एंड आप वाइड एंगल कैमरा को एज अ मैक्रो कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, एंड 16 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा इस प्राइस रेंज में कोई नहीं देता है। एंड डैम, इफ यू लाइक मैक्रो फोटोग्राफी, दिस इज द बेस्ट कैमरा यू कैन गेट। सेल्फीज भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, द कलर्स ह्यूमन स्किन टोन वेयर ऑन पॉइंट। तो क्या ये बेस्ट कैमरा फोन है इस प्राइस रेंज में? नहीं, जस्ट लाइक अस, इसमें भी कुछ कॉन्स है, जैसे नाइट मोड की फोटोज बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। सेकंड, 3x टेलीफोटो कैमरा है विच इज गुड, कूडोज टू मोटोरोला, बट इसकी फोटोज काफी सॉफ्ट आती है, लाइक गुड टू हैव, इसलिए मैंने कभी टेलीफोटो कैमरा के बारे में इतना बात नहीं किया। और ये है मोटो S20 से, जो कि 4K वीडियो शूट कर सकता है फ्रंट सेल्फी कैमरा से, एंड फोन के डिस्प्ले में ही मुझे मोटो S20 ज्यादा शार्प लग रहा है। You can judge the audio quality as well as the video quality. And now software updates. अब Motorola promise कर रहा है कि 2 years of software update and 2 years of security updates आपको मिलेगा इस फोन पे। लेकिन Motorola के background को देखते हैं तो update situation इतनी कुछ अच्छी नहीं है। अब for this phone, I'll talk on this phone. इसमें September का security update आया था, तो अभी तक के लिए तो ये अच्छा है, but future का कुछ बोल नहीं सकते। I'll keep tracking from my side. तो लाउड है फॉर सिंगल स्पीकर, लेकिन स्टीरियो स्पीकर दे सकते थे इस प्राइस रेंज में। एंड लास्ट वाला कौन, थोड़ा सा नेट पिकिंग है मेरी तरफ से, चार्जिंग इस प्राइस रेंज में बाकी सब 65 वॉट चार्जर देते हैं, मोटोरोला ने 30 वॉट दिया है। हालांकि दिस इज अ गुड 30 वॉट PD चार्जर, जो कि लैपटॉप से लेके आपका फोन सब फास्ट चार्ज कर देता है, बट कॉम्पिटिशन से थोड़ा कम है तो मैंने बता दिया। और अगर आप बहुत ही हैवी यूज़र हो तो बैटरी पूरा दिन नहीं चलेगी। मेरे यूजेज में 4 to 4.5 hours का स्क्रीन ऑन टाइम के साथ बैटरी एक दिन पूरा चल जाती है इजीली, और मैं 144 हर्ट्ज पे यूज़ कर रहा था। आप अगर 120 हर्ट्ज पे यूज़ करो तो इजीली वन डे तो चल ही जाएगा। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शुड यू बाय द मोटो S20 एस्पेशली, क्या इसे नॉट 2 के ऊपर खरीदना चाहिए? वेल, पर्सनली मुझे आप पूछो तो आई विल बाय मोटो S20। दो रीजन है मेरे लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट कैमरा क्वालिटी एंड 4K वीडियो सेल्फी रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड एक छोटा सा रीजन है, जब OnePlus ने बोला था कि ऑक्सीजन OS और कलर OS को मर्ज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि UI में इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट इन Note 2 के केस में तो दिख रहा है ना। ओवरऑल कंपैरिजन भी है इंग्लिश चैनल पे, यू कैन चेक दैट आउट। ऑन दैट नोट, दिस इज द थिंग, मिलते हैं बाद में या काफी जल्द।